तो थोड़ा देख लो त्रिपाल को, आलती थोड़ी हमने तो उठा लिया, तो भी नजर मार लो पे। यहाँ पर आग लगी थी जब हमें कॉल आई कि बैक अपने वेमाल के बैक साइड में घास की आगे झाड़ियों की आगे थोड़ी सी आगे, तो हमने एक छोटी गाड़ी तुरंत भेज दी, लेकिन जो ही गाड़ी पहुँचने वाली थी इतने में दोबारा कॉल आई कि आग ज़्यादा फैल गई हवा के कारण। तो यहाँ पर हमारी आरटीसी की गाड़ियाँ भी हैं और बैक साइड वेमाल भी है, तो पेट्रोल पम्प भी है यहाँ पर। तो हमने एट ए टाइम 5 गाड़ियाँ निकाल ली, जिसमें कि बुजुर्ग हमारी सबसे बड़ी गाड़ी होती 12,000 लीटर पानी है, वो भी निकाला क्योंकि हमें पता था यहाँ पेट्रोल पम्प भी है गाड़ियाँ भी हैं। तो यहाँ पर हमने चारों तरफ से इसको ऑपरेशन चालू किया और आपके सामने हमने क्लोज भी कर लिया। जब हम आए थे यहाँ पर तो किसी को इनको भी ये भरोसा नहीं हो रहा था कि आग बुझेगी, इतनी काफ़ी लिपटें थी यहाँ पर और गाड़ियाँ इनकी 3-4 इन्वॉल्व हो चुकी, जिनमें कि 2 का काफ़ी नुकसान हो गया, बाकी हमने बचा ली हैं। और 8-10 गाड़ियाँ यहाँ पर इनकी यहाँ पर खड़ी थी क्योंकि इनका आरटीसी की गाड़ियाँ हैं और बैक साइड। तो ये कारण जो लग रहा है हमें कि शायद स्पार्क हुई है, एलटी लाइन जो है उससे स्पार्क होने, क्योंकि नीचे करंट भी आ रही थी। तो फिर हमने अपने पुलिस को भी बोला और अपने कंट्रोल रूम में फ़ोन किया कि बिजली साइड से कट करवा लें, उसके बाद बिजली कट हुई तो हमने काम पूरा अच्छी तरह कर लिया। क्या कहेंगे जिस तरह से बिजली में काफ़ी आग फैलती जा रही है, गर्मी काफ़ी हो रही है, किस तरह से प्रिकॉशन लेने चाहिए जिनके घर आस पास पेट्रोल पंप था अगर जहाँ तक पहुँचा? सर देखिए, प्रिकॉशन लेने के लिए हमने हमारे अपने डीजी साहब, जो ऑनरेबल डीजी साहब हैं हमारे श्री आलोक कुमार सर आईपीएस ऑफिसर हैं, उन्होंने एडवाइजरी भी निकाली है, उसमें 15-20 पॉइंट भी दिए हैं। यही होते हैं कि हम अगर उसको थोड़ा इस्तेमाल कर लें तो काफ़ी हादसे कम हो जाएंगे। और कारण क्या है आपको पता है सबको कि काफ़ी धूप ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा होने के कारण क्या हो कि ड्राइव वगैरह से पूरा स्प्रिट चुका है बारूद, तो थोड़ी भी कहीं सिगरेट बीटी या कहीं स्पार्क आती है तो एकदम आग बहुत शक्ल तक लेती है। तो बाकी रहा यहाँ की सिचुएशन, आप खुद जानते हैं कि यहाँ पर पेट्रोल पंप की अपनी साइड है और गाड़ियाँ 15-20 यहाँ पर खड़ी थी, तो चारों तरफ से हमें चैलेंज था। पीछे से वेमाल का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके बैक साइड से घर भी हैं, रेजिडेंशियल हाउस भी हैं, तो आग काफ़ी ज़्यादा फैल हुई थी क्योंकि हवा एकदम आई, जिसके कारण एकदम हवा आग ने जो है बहुत भयानक शक्ल इख्तियार कर ली। और हमने 5-6 गाड़ी अपनी लगाकर चारों तरफ से सक्सेसफुल हो गए और हमने अभी बिल्कुल आग जो है अंडर कंट्रोल हो चुकी है।